रखा है, ये देखो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप यहाँ आज आए हो तो कल आके मतलब मूवी देख सफाई हो रही है कि नहीं, इसको क्यों आएंगे वहाँ? हमारे को उन्हें क्या दिया? हमारे शहीदों ने कुछ दिया है, वो हम क्यों जाएंगे? ना नहीं, बाद में वहाँ 11 बजे के बाद ये आप देख सको हो, यह है भाई, देखो ये लाग रहे, दिखाओ दिखा भाई, दिखा जूम करके दिखा भाई, हाँ ये देखो, ये देखो हाँ सफाई है, ये देख ले भाई, यहाँ पे जैसे गंदगी देखी है इतनी सारी, वो सरकार की कमी, उन्होंने सरकार की तो कमी नहीं है, खैर दोस्तों पार्क में चलेंगे, देखेंगे, बताओ भाई साफ सफाई तो हो रही है, और देख लेंगे आखिर कितनी साफ सफाई है, पूरी दिखावांगे आपको, ही आ जाओ इस साइड आ जाओ भाई, अच्छा ये देखो भाई, इस साइड आइए, ये देखो, मतलब आज का दिन है तो इस पर कपड़ा मारना था, कपड़ा भी नहीं लग रहा, अच्छा सर ये बताओ आज इसका दिन कपड़ा लगना था या नहीं लगा? भाई साहब कपड़ा लगना चाहिए, लेकिन यो क्या हाल हो रहा है, ये देखो दिखा भाई कैमरा में, ऐसा है जी जा, ये तो कुछ भी हाल को नहीं, आप अपना कैमरा इस साइड में करो, जो शहीद हुए हैं, अच्छा इनको अच्छा अच्छा इस पर कपड़ा लग रखा है, ये देखो हाल है, ये देखो भाई, मतलब सिपाही होगी या सिपाही है भाई, सिपाही भी, हाँ जी ऐसा है जी, प्रशासन जब तक सोता रहेगा, प्रशासन को तो सिर्फ एक मुद्दा दिखाई दे रहा है, मैं भी एक सर्विसमैन हूँ, मैं भी पुवाड़ी में रहता हूँ, अच्छा। सिर्फ प्रशासन को एक मुद्दा दिखाई दे रहा है कि भाई चलो कमेटी में घोटाला, आज के समय में क्या बुरा मानना क्या अच्छा मानना, इसके अलावा कोई न्यूज चैनल या कोई यूट्यूबर या कोई भी चैनल वाला भिवाड़ी की न्यूज दिखाता है, क्या दिखाता है, घोटाला हो रहा है, किसी ने आज तक ये दिखाया कि कल शहीद दिवस है? मैं आपसे, मेरे को सवाल नहीं करना चाहिए आपसे, लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूँ, किसी मीडिया वाले ने ये दिखाया कि कल शहीद दिवस है? सिर्फ घोटाले, हम भूल गए शहीदों को, लोगों को पता ही नहीं है, बच्चों को पता ही नहीं है, युवाओं को पता ही नहीं है कि शहीद दिवस क्या है, किसकी उपलक्ष्य में मनाया जाता है, कौन कौन शहीद हुए थे, कौन कौन शहीद, किसी से पूछ लो इस पूरी भिवानी में, किसी से पूछ लो, अगर किसी को ये पता हो कि आज तक कितने शहीद हो गए, कोई बता दे उसकी काउंटिंग है किसी के पास, तो बताओ, किसी के पास नहीं। लेकिन आप भी सर्विसमैन हो सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप यहाँ आज आए हो तो कल आके मतलब मूवी देखोगे, साफ सफाई हो रही है कि नहीं, इसको बिल्कुल जी, हम ये नहीं कह रहे कि हम अपनी गलती से नकार रहे हैं, नहीं, मैं भी हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था, ना हमारी कोई पार्टी है, ना कुछ है, हम भी आए थे, मैं भी आया था, मेरी बच्ची साथ आई है, मैं बच्ची के साथ आया था कि शहीदों को हम नमन करेंगे, भाई कोई ना कोई प्रोग्राम शहीदों का होगा भिवानी में, और हम न्यूज देख के आ रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने छुट्टी डिक्लेयर की है, पंजाब गवर्नमेंट प्रोग्राम कर रही है, तो वहाँ हो सकता है छोटा मोटा प्रोग्राम भिवानी में भी होगा, मेरे को 1.5 साल हुई है पेंशन आए हुए, मैं आर्मी में था, वहाँ पे प्रोग्राम करते हैं शहीदों को, आप हमारी, मैं ज्यादा दूर की नहीं कह रहा, कभी जाके वार मेमोरियल देखो हिसार कैंट की, कैसे चमचमाती मिलेगी और कैसे नहीं मिलेगी, वहाँ के प्रोग्राम फोटो आएंगे, आप अपना नंबर देना, मैं आपको दूंगा, दिखाएंगे सर, एक बार भीतर भी देखेंगे, देखो देखो आज 23 तारीख है, कमेटी के अंदर जाके देख लो वहाँ कितना प्रदर्शन हो रहा है, उनको कमेटी याद है, लेकिन आज शहीद दिवस किसी को याद नहीं है, वहाँ तक कम से कम 1000 आज 1000 आदमी वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर कोई आज सरकार का बंदा, कोई नुमाइंदा, कोई अपने शहर से कोई भी बंदा नहीं आया यहाँ पर, और यहाँ कर बोलते हैं वहाँ पर कमेटी में, वहाँ पर जो कमेटी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, जो कमेटी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी नहीं है यहाँ पे आज, आप नहीं कह रहा, लेकिन किसी का भी ध्यान नहीं है, ना युवा का, नहीं वही ध्यान, कौन सर एक बार भीतर चलेंगे, भीतर चलते बात करेंगे, चलते आज यहाँ पर कुछ प्रदर्शनकारी आए थे, वो आकर ये बोलते हैं वहाँ पर कमेटी के अंदर कुछ मीटिंग हो रही है, वहाँ भी आना, भाई हम क्यों आएंगे वहाँ? हमारे को क्या दिया? हमारे शहीदों ने कुछ दिया है, वहाँ हम क्यों जाएंगे? ना नहीं, बाद में वहाँ 11 बजे के बाद कुछ आए थे बंदे, या कुछ आए थे वहाँ बंदे, हाँ बंदे कुछ आए थे, देखो वो भी आकर अपना सूट मार गए हैं, फूल माला चढ़ा गए हैं, लेकिन वो बोलते हैं हम जाएंगे अभी, और वहाँ कमेटी के अंदर कुछ प्रदर्शनकारी आ रहे हैं, वहाँ पर हमारा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद में तुम भी आना, मगर सही दो कभी प्रोग्राम खत्म नहीं होता, हम तो यही रहेंगे लास्ट तक, जी बिल्कुल, तो सर इसके ऊपर हो रही है सफाई, सफाई देखेंगे, ये देखो दिखा भाई,
ये आप देख सको हो, यह है भाई देखो ये लाग दिखा दिखा भाई दिखा जूम करके दिखा भाई। हाँ ये देखो ये देखो हाँ सब भाई ये देख ले भाई है? ये तो साल में एक बार बनाया जाता है। बिल्कुल अच्छा इसको ऊपर हाथ मारो सर एक बारी। ए ये स्पाई है भाई साहब यह देखो भाई। मेरे को ऐसा लग रहा है ये बढ़ने के बाद आज तक इस पे कपड़ा ही नहीं लग गया है। ततैया के छत्ते लाग रहे हैं तो कपड़ा कड़े तलाकगा। इसको किसी ने आज तक संभाला नहीं है। हमारा प्रशासन से मतलब झाड़ू झाड़ू काट गए, झाड़ू निकालते हैं नीचे से और चले जाते हैं। मैडम वो बेचारियों का अकेली क्या करेगी यहाँ पे जो काम करने वाली है। प्रशासन है यहाँ पे, सफाई कर्मचारी है, यहाँ पे बीजेपी के पदाधिकारी भी है, उनको भी देखना चाहिए, प्रोग्राम करना चाहिए। बाकी ये तो हम तो पहली बार आए हैं, आगे अगले साल से इंडियन वेटरन टीम हर साल प्रोग्राम करेगी और अगले साल से हम बढ़िया करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगले साल यहाँ साफ सफाई, अगले साल यहाँ साफ सफाई मिलेगी, मेमोरियल भी साफ मिलेगा। हाँ। और प्रशासन से भी हम लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। कुछ इस संस्था से महिलाएं भी आई हैं, उन तक बात करवाएंगे। क्या अपील करना चाहेंगे युवाओं से जो आज शहीद भगत सिंह? शहीद हुए हैं, अपना बलिदान दिया है, उनकी प्रेरणा ले। आपको ये भी पता नहीं है कि शहीद दिवस कब होता है। कुछ कहना चाहोगे? आज 23 मार्च है शहीदी दिवस के ऊपर। 23 मार्च के दिन यही कहना चाहूँगी कि हमारे जो भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव ने जो कुर्बानियाँ दी उसको हमेशा याद किया जाए। और आज के युवा से मैं स्पेशली अपील करना चाहूँगी कि उनकी कुर्बानी को व्यस्त ना जाने दें और उनकी कुर्बानियों को याद रखें। जो उनमें जज्बा था वही जज्बा अपने अंदर रखें और देश हित के लिए सोचें, देश हित के लिए आगे बढ़े। हर कदम उनका, एक एक कदम आगे बढ़ने से ही बहुत राष्ट्र का निर्माण होगा। ठीक है जी मैम। हम तो यही चाहेंगे कि शहीदी दिवस स्कूल में छुट्टी करने के बजाय इससे अच्छा तो बच्चों को समझाया जाए कि शहीदी दिवस क्यों मनाया जाता है। क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, सब इंग्लिश त्यौहार भी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एक शहीदी दिवस सेलिब्रेट नहीं किया जाता। बच्चों को कुछ भी नहीं पता होता शहीदी दिवस पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि छुट्टी के बजाय इसको सेलिब्रेट किया जाए, बच्चों को बताया जाए इन तीनों के बारे में कि वो क्यों शहीद हुए। ना लाके अड़ा दिखाया जावे कि या बात हुई थी। इतने बच्चों को तो लाना नहीं पॉसिबल होता है कि इतने बच्चों को यहाँ लाया जाए, लेकिन स्कूल टूर पर भी तो जा मैडम, टूर पर भी पूरा स्कूल एक साथ नहीं जाता ना। नहीं टूर एक एक क्लास जाती है, एक एक क्लास जाती है ना। सुनो दो दो बस चली जा, तीन चली जा, नहीं एक साथ नहीं जाती, एक बस जाती है एक क्लास जाती है। एक बस तो स्कूल में भी अच्छे से पूरे सब बच्चों को बताया जा सकता है। एक बस दो बस आ जाएगी यहाँ पर, लेकिन पूरा स्कूल नहीं आ पाएगा। आधे बच्चे रह जाएंगे कि बच्चों को नहीं पता चलेगा, आधों को पता चल गया क्या है शहीदी दिवस। लेकिन अगर स्कूल में ये चीज की जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। अजय सरदार फूल अर्पित करने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे जैसे गंदगी देखी है इतनी सारी, वो सरकार की कमी, उन्होंने सरकार की तो कमी नहीं है, खैर उन्होंने जिनको भी लगाया हुआ उनकी कमी है ये, उनको पहले ही यहाँ पे पहुँच के सफाइयाँ वगैरह करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। सरकार की कमी नहीं है, सरकार के दफ्तर में जाओगे ना बड़े बड़े मतलब बैनर भी लागे पाओगे, फोटो भी लागे पाओगे शहीदा के, हैं जिनको कर याद आ जाए। आज याड़ा के मतलब आप कर रहे हो सरकार की वाह नहीं है, क्यों नहीं है मतलब याड़ा के फूल माला भी चढ़ा सरकार ने, जिनको स्टाफ को लगाया हुआ है ना, स्टाफ को मतलब स्टाफ की कमी है, सरकार की कमी नहीं बता रही मैं कह रही हूँ, स्टाफ जो लगाया हुआ उनकी कमी है, उनको यहाँ टाइम से आके आज अगर स्टाफ के ऊपर दबाव पड़ा है तो क्यों नहीं करेंगे याड़ा ऊपर, तो दबाव बेको नहीं, ये तो है। चलो तो दोस्तों यह वीडियो आपने किसी की लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दी, आतिफ भी काले हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय यह जरूर दियो भाई, आखिर 23 तारीख न याद करें उससे पहले क्यों नहीं कर दे। और भी वीडियो दिखाते रहेंगे बनाते रहेंगे, देखते रहिए अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।